आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर और हत्या के प्रयास का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 7 अप्रैल दी है। आपको बता दें कि शासकीय अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के लिए समय मांगने का प्रार्थना पत्र भी दिया गया था, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली तारीख 27 अप्रैल दी है। 2 MP MLA कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ हत्या का प्रयास और गैंगस्टर का मामला दर्ज है। इससे पहले साल 2009 में मोहम्मदाबाद और करंडा थाने में केस दर्ज हुआ था। 307 का मुकदमा, जिसमें कि प्यार में वो नामजद अभियुक्त नहीं थे, बाद में सेकंड विवेचक ने उनको दौरान विवेचना जो है 120B पे बढ़ोतरी करके मुख्तार अंसारी को अभियुक्त बना दिया गया था। मुख्तार अंसारी उस समय जेल में थे, उसमें उनको सह अभियुक्त बना दिया गया था। उसमें जो है 120B में अभियुक्त बनने के बाद हम डिफेंस की तरफ से बहस हो गई थी और आज जजमेंट में लगा था। और एक मुकदमा और था जो गैंगस्टर का थाना करंडा का मुकदमा था 2009 का, और ये 307 का भी 2009 का। 307 और एक कपिलदेव सिंह हत्या कांड को लेकर के दो मुकदमे को चार्ट में दिखा करके थाना करंडा में 2009 में गैंगस्टर का मुकदमा कायम हुआ था। तो 302 फरीदाबाद में ऑपरेशन मुस्कान के तहत लगातार बाल मजदूरी करने वाले बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ इन बच्चों से मजदूरी करवाने वाले कंपनी और दुकानदारों के खिलाफ मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज वल्लभगढ़ के IMT क्षेत्र में स्टेट क्राइम ब्रांच और लेबर विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर 3 बाल मजदूरी करने वाले बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। मेरा नाम ऐसे अमर सिंह है और मैं स्टेट क्राइम ब्रांच में तैनात हूँ। हमारी टीम लगातार बच्चों के लिए काम करती है। बच्चे रेस्क्यू किए हैं, कहाँ से बच्चे रेस्क्यू किए हैं और कितने समय से शिकायत इनकी लगातार आ रही है? ये बच्चे जो आज रेस्क्यू किए हमने, IMT है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, वहाँ से 3 बच्चे रेस्क्यू किए हैं। जिन 3 बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जा रही थी और सूचना के आधार पर इन बच्चों को लेबर इंस्पेक्टर के साथ मिलकर और कई संस्थाओं के साथ मिलकर इन बच्चों को रेस्क्यू किया है। खबर रायबरेली से है, जहां ईद और नगर निकाय चुनाव में शांति व्यवस्था कायम रखने की पुलिस अपील कर रही है। बताते चले कि डीह थाना पर SDM विजय कुमार और थाना अध्यक्ष प्रवीण गौतम की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें लगभग एक साथ कई लोग शामिल हुए। वहीं इसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों को पीस कमेटी की बैठक में बुलाया गया था। बता दें कि SDM विजय कुमार ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भी जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, वो जहां तक सके नगर पंचायत के निकाय चुनाव में हस्तक्षेप ना करें। रखने में काफी कम आएगा। आप जितने भी हमारे ग्राम प्रधान हैं, उनके साथ जनता जुड़ी हुई है और आप लोग ग्राम में रहते हैं, आपका लोग बहुत समझते हैं इस। आप ग्राम प्रधान का रोल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसमें अपने मुस्लिम भाइयों का सहयोग देके, और जो मुस्लिम प्रधान है वो तो अपने आप करेंगे, लेकिन हमारे अन्य जो लोग हैं वो भी हिंदू धर्म के लोग हैं, वो भी इसमें सहयोग करेंगे और इस त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। बाहुबली मुख्तार अंसारी के पत्नी के इनाम की राशि बढ़ा दी गई है। बता दें कि पुलिस ने 25,000 से 50,000 इनाम का राशि जो है उसको बढ़ा दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने 12 अपराधियों की सूची भी जारी की है। बताते चले कि गाजीपुर पुलिस ने जिले के 12 इनामी अपराधियों की सूची जारी की है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी सहित 12 पुरस्कार घोषित अपराधियों की एक लिस्ट भी जारी की है। तरफ बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी पर भी इनाम घोषित है, यानी कि वो भी एक फरार आरोपी चल रही है। तो वहीं अब अतीक अहमद की पत्नी पर भी जो इनाम की राशि थी वो बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही 12,000 इनामियों की एक लिस्ट भी जारी की है, जिसमें अतीक अहमद
तो वहीं आपको बताते चले कि बाहुबली की पत्नी पर इनाम भी घोषित हुआ है, जिसकी राशि बढ़ा दी गई है। फरीदाबाद में जेल में बंद एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। बता दें कि बीते 10 तारीख से नीमका जेल में पिता पुत्र हत्या और अपहरण के मामले में वो बंद था। वही नाबालिग मृतक घनश्याम की लड़की से प्रेम करता था और उसके घर में घुस गया था। घर में घुसने के बाद उसके देख लेने पर नाबालिग ने हत्या कर दी थी और युवक की हत्या के बाद पलवल CIA ने बीते 8 अप्रैल को हिरासत में लेकर मृतका घनश्याम और उसके पुत्र को रिमांड पर लिया था। लड़का ने जरूर अपने को दोस्त वगैरह बुला लिए थे, कोई कहीं को गलत जगह पे मतलब को मारपीट हो गई तो उससे पर हो गया। हाँ, इनका नाम था उसमें। हाँ, उन्होंने उनका नाम, जबकि हमारे भाई को उन्होंने उठाया घर से, जबकि वो ये बोल रहे हैं कि बाहर से उठाया है। अच्छा। हमारे भाई और जो भतीजा मतलब दोनों घर पे ही थे, वो बाहर से नहीं उठाया पुलिस वालों ने। अच्छा, आपको क्या लगता है कब से बंद थे जेल में? जेल में 10 तारीख को आए थे जी। अच्छा, फिर लगता है कि आपको कैसे मौत हुई? ये हमारे भाई को जो 3rd डिग्री दी गई ना वहाँ पे CIA वालों की, उसकी वजह से डेथ हुई हमारे भाई को। कब दी गई ये? जब 8 और 9 तारीख को जब ये वहाँ पे रखे गए जेल में CIA वालों ने। तो उसकी हत्या कैसे हो गई थी उस लड़के की? हत्या ये हुई है, वो 12:15 बजे हमारे घर में आया है, इस घनश्याम के घर में, उस लड़की के पास। लड़की और ये बात कर रहे हैं। हाँ जी, लड़की और ये दोनों बात कर रहे हैं, तो लड़की ने गेट खोल दिया, ये अंदर आ गया लड़का, ये दोनों बातचीत करने लग गए। ये तारीख तो मेरे को सर याद नहीं है। 6 तारीख की बात है ये। घर में घुसा है? हाँ जी, घर में आ गया है। रायबरेली में चुनावी माहौल में अधिकारियों की व्यस्तता का फायदा उठाकर भूमाफियाओं ने बेशकीमती जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया है। उक्त जमीन पर महिला ने अपना दावा किया था, जिसके बाद न्यायालय में ये मामला चल रहा था। पीड़ित महिला ने बताया कि मेरी जमीन पर दबंग भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया और पीड़ित महिला ने सदर तहसीलदार से अब न्याय की गुहार लगाई है। तो भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। रायबरेली में गरीब महिला की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया था, जिसके बाद महिला अब न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटा रही है। अमरोहा में नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ईदगाह पर आगामी 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले ईद के त्यौहार को लेकर नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्ष शशि जैन, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने DM BK त्रिपाठी और SP आदित्य के साथ मिलकर ईद के त्यौहार पर की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो छोटी मोटी समस्याएं हैं हमें बताई गई हैं, उनका जल्द से जल्द समाधान कर लिया जाएगा और ईद की नमाज यहाँ पर सकुशल सभी व्यवस्थाओं के साथ पढ़ी जाएगी, जिसका पूरा ध्यान भी रखा जाएगा। में आज जो संयुक्त हम लोगों का, मेरा और DM साहब का, साथ में यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं सर, जिन जो उसमें सम्मिलित रहेंगे, सभी से वार्ता की गई है और उसमें जानकारी करी गई है कि बता रहे हैं कि 21 तारीख को शाम में बहुत सारे वॉलंटियर्स भी रहेंगे, तो हम लोग भी यही प्रयास रहेगा कि सारी जो ड्यूटीज़ हैं हम लोगों की रात्रि से लग जाएं, और यही प्रयास रहेगा। आपसे बात भी हुई है कि सार्वजनिक बाहर पब्लिक प्लेस पे रोड पे उस तरीके की कोई शिकायत ना आए, आप लोगों का इसमें सहयोग इसमें अपेक्षित है और इन सबके द्वारा इनको बताया भी गया है कि इनके द्वारा पूरा इसमें सहयोग किया जाएगा। साथ ही जो डिप्लॉयमेंट है उसमें जो PAC भी रहेगी, साथ में हम लोग की QRTs भी रहेंगी, वो स्टेशन रहेंगी, और पूरा संभव प्रयास रहेगा कि सब जो पूरा त्यौहार है वो शांतिपूर्ण तरीके से ख़त्म कराया जाएगा। हम लोग ईदगाह देखने आए थे, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के जो इंतजामिया लोग करते हैं उनसे बात करने आए थे, कोई कहीं अगर दिक्कत हो कठिनाई हो। आपने बताया कि एक अभी आंधी आई थी हाल में ही, एक बिजली का पोल टेढ़ा हो गया, उसको ठीक कराना है। इस तरह के छोटे मोटे 2-3 काम बताए हैं, उसको हम लोग आज करा देंगे और बाकी व्यवस्थाएँ देखिए ठीक है। साथ में हमारे कप्तान साहब भी आए हुए हैं, हर तरह की व्यवस्था रहेगी और हम लोगों ने आपसे अपील भी किया है कि कोशिश की जाए कि लोग जो है कैंपस में ही अंदर ही लोग जो हमारे आएँ, और जिससे कि बाहर की कोई कठिनाई ना लोगों को हो, इसको भी ध्यान रखा जाए। तो पूरा सहयोग मिलता रहता है आपकी तरफ से भी, तो अच्छे से निपटेगा, हमारी सबकी ढेर सारी शुभकामनाएँ भी हैं। थैंक यू। खबर बुलंद शहर से है, जहां शमशान भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया।
चकबंदी और राजस्व विभाग के मिलीभगत से भूमाफिया शमशान की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं और चकबंदी के बाद भी भूमाफियाओं ने बेशकीमती शमशान की जमीन पर रात में मिट्टी तक डलवा दी। बताते चले कि शमशान भूमि की जमीन पर कब्जे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया है और इसके साथ ही हिंदू रक्षा दल ने दी शमशान की जमीन कब्जा मुक्त होने तक धरने की चेतावनी भी दी है। क्षेत्र में चकबंदी चल रही है और लगातार यहाँ भूमाफिया के हौसले जो बढ़ते जा रहे हैं। ये शमशान घाट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जमीन सारी शमशान घाट की 925 जो खाता है इसका, ये सारी भूमि हमारी शमशान घाट की है। लेकिन जो प्लॉटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने इस पर भर्त करा दिया और इस पर कब्जे करने की नीयत से यहाँ फ्लैश भी पड़वा दिया है। हम जानकारी मिलते ही सारा संगठन और जो क्षेत्र के लोग हैं सभी लोग यहाँ पर आके इस काम को रुकवाने की हमने पूरी प्रशासन से भी बात की है। ईओ साहब से, एसडीएम साहब से मेरी बात नहीं हो पाई है। चकबंदी के जो लेखपाल हैं वो भी यहाँ पर थोड़ी देर में आने वाले हैं। अच्छा, अगर जिस तरह से भूमाफिया द्वारा जमीन खाली नहीं होती जाती है शमशान की, तो आप आगे क्या कर रही है? देखिए, शमशान घाट हमारे लिए एक धर्म स्थल है हिंदू धर्म के लिए, और यहाँ पर अगर कब्जा होता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे पूरी ताकत के साथ, जोर शोर के साथ हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। आगे किसी भी भूमाफिया रायबरेली में एक मां ने अपने 2 वर्षीय बेटी के साथ नहर में छलांग लगा दी है। छलांग लगाने के पीछे पति से झगड़ा होना बताया जा रहा है। वही मामला भदोकर थाना इलाके का है, जहां के रघुनाथपुर कटैली गांव के पास कुछ लोगों ने एक महिला को अपने बच्चे के साथ नहर में कूदते देखकर पुलिस को सूचना दी। वही मौके पर पहुंचे पुलिस ने आसपास की गोताखोर के न मिलने पर इंस्पेक्टर नहर में कूद गए। हालांकि काफी देर तक खोजने के बाद दोनों का पता नहीं चलने पर लखनऊ से SDRF को बुलाया गया है। क्या घटना हुई अभी? हमारी भाइयों से उनका मैंडी डिस्टर्ब था, 6 महीना से घर से निकल लिया, बिटिया लेके नहर में कूद गई। क्या उम्र रही बिटिया की और उनके बहू की? 1.5 साल की बिटिया रही, उनकी उम्र 26-27 साल रही हुई। क्या नाम था उनका? उनका नाम सरिता राम। लड़ाई वड़ाई बिटिया के साथ हुई क्या? लड़ाई एक दिन इन्होंने मारा हमारी बिटिया को, मारने के बाद हमारी बिटिया का टुर्रा गिर गया और टप भी गिर गई और कान की खून निकलता था। हमने रात में, हमको रात में फ़ोन किया कि अपनी लड़की को ले जाना, और उसके बाद जो है लोटा ले के आना, अपनी सारी सामान लाद के ले जाना, हम तुम्हारी लड़की को नहीं रखेंगे। कितने दिन पहले बोला था? 15 दिन पहले। अच्छा, जैसा भी ये लोग बता रहे थे आपके बिटिया के ससुराल पक्ष वाले कि इसका मानसिक संतुलन सही नहीं था, क्या है? मानसिक संतुलन सही था साहब, 1-2 महीने से कुछ गड़बड़ रहा। आप ले हरदोई में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। बता दें कि हादसे में पत्नी की मौत हो गई है और वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए पुलिस ने CHC में भर्ती कराया है। वहीं बताते चले कि पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कस्बे से होकर उन्नाव के रहने वाले श्री राजेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी मंजूरी मोटरसाइकिल सवार कहीं जा रहे थे, कस्बे में ही किसी कंटेनर से उनकी टक्कर हो गई, जिसमें मौके पर ही मंजूर की मृत्यु हो गई है और उनका राजेंद्र साहब भी घायल हो गए हैं। उसमें राजेंद्र जी का इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मृतक का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है, जिसमें तरीपन गोदा पंजीकृत कर आवश्यक भी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों के क्रम में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक R.K. विश्वकर्मा और स्पेशल DG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि आगामी त्योहारों के दृष्टिगत फील्ड में तैनात अधिकारियों को दिशा निर्देश मिले हैं। सड़क मार्ग यातायात बाधित न हो, कोई धार्मिक आयोजन और इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने कहा कि हालिया वर्षों से प्रदेश में सभी धर्मों के पर्व और त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मनाए गए हैं। इससे पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया है और प्रदेश में हर एक नागरिक की सुरक्षा हम सभी का दायित्व है।
खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधेड़ का शव मिला है। बता दें कि अधेड़ का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला, जिसके बाद शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। सरकार द्वारा जल निगम विभाग द्वारा से बनाई गई पानी की टंकी का पाइप फटने से जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। बता दें कि जल निगम विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों से साठगांठ से पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा था, मगर घटिया क्वालिटी के पाइप डालने से जगह जगह फटकर रोड और रास्तों पर पानी बह रहा है। यहाँ से लोगों का निकलना दुश्वार हो गया है। इस मामले को लेकर कई बार जल निगम विभाग के अधिकारियों को सूचना भी दी गई, मगर अभी तक कोई कार्रवाई तक नहीं की गई है। रमजान के मौके पर लखनऊ के चिन्हट स्थित कंचनपुर मटियारी गांव में रोजा इफ्तार के मौके पर कई रोजेदारों ने शिरकत करते हुए नमाज के बाद रोजा और इफ्तार किया और भोज भी किया है। इस दौरान रोजेदारों के बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे अनीस मंसूरी और क्षेत्रीय शहीद भगत सिंह वार्ड के पार्षद प्रत्याशी दीपिका यादव के पति संग्राम सिंह ने भी शिरकत की है। रोजेदारों को इफ्तार कराने वाले इलाकाई लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसका आयोजन किया, जिसमें खुर्शीद आलम और शमशाद आलम का नाम शामिल है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।